हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि शरीर की थकान को दूर करने के लिए हम कौन कौन से योगासन करने वाले हैं। दोस्तों, होता क्या है, हमारी डेली लाइफ जो लाइफस्टाइल होती है उसमें काम के प्रेशर की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है, हाथ पैरों में दर्द की स्थिति बनी रहती है जिसकी वजह से पूरा शरीर जकड़ने लग जाता है, ऐंठने लग जाता है और साथ साथ में आलस सा भी बना रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 योगासन बताने वाली हूँ जो कि आपकी इजीली, मतलब जो लाइफ है उसमें आपको बहुत अच्छा इफेक्ट यानी पॉजिटिव इफेक्ट देगा और शरीर में जितने भी सुस्ती, थकान, जकड़न है उसको इजीली दूर करेगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप समझ पाएं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन से योगासन फॉलो करने हैं, आपको 15 से 20 दिन के अंदर अपनी बॉडी में अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से इन योगासन को फॉलो करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आ जाएंगे। सबसे पहले हम बटरफ्लाई के लिए पैरों को खोलते हुए हिला लेंगे अच्छी तरीके से ताकि आपके दोनों पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन यानी खून का दबाव अच्छे से चलता रहे। अब यहीं से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे इस तरीके से, आपने पैल्विक एरिए के पास दोनों लेग को रख लेंगे। अब यहीं से आपको थोड़ा सा पैरों को शेक करना है इस तरीके से, जिससे होगा क्या, हमारे जो पैरों की जो थकान है, जकड़न है, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बटरफ्लाई आसन का अभ्यास करें। हमारे शरीर में सुस्ती जो है उसको दूर करते हुए बॉडी को एनर्जी देगा, स्टैमिना बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब यहीं से आपको कम से कम 1 मिनट तक अपनी थाइस को इस तरीके से चलाना है, जिस तरीके से तितली उड़ती है उसी तरीके से आपको दोनों पैरों को इस तरीके से शेक करते हुए यानी हिलाते हुए आना है। अब यहीं से आपको करना क्या है, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करना है। अब यहीं से स्ट्रेच करते हुए आपको करना क्या है, आगे की ओर बॉडी को लेके जाना है यानी फॉरवर्ड की ओर लेके जाएंगे। चले श्वास को भरेंगे लंबा और गहरा, पूरा स्ट्रेच देना है, छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे एक्सहेल। फिर यहीं से दोबारा आएंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे जितना हो सके। इसी तरीके से आपको 10 बार ऊपर जाते हुए फिर नीचे की ओर जाना है। फिर आपको 10 बार करने के बाद आपको होल्ड करते हुए यानी रोकते हुए आना है, श्वास को भर लेंगे, छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे इस तरीके से। अब यहीं पर आपको होल्ड करके रखना है 15 सेकंड तक, होल्ड करके रखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आगे की ओर झुकने में, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर धीरे से इनहेल करते हुए श्वास को छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, पैरों को हिला लेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपको हर एक आसन 3 बार रिपीट करते हुए आना है। चलिए अब यहीं से दूसरा अभ्यास रहेगा हमारा एक पाद गर्भासन का। इसमें आपको करना क्या है, पहले अपने दोनों पैरों को खोलते हुए हिला लेंगे अच्छी तरीके से। चलिए मैं अपने लेफ्ट लेग से आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। अपने लेफ्ट लेग को बैंड कर लेंगे, बैंड करते हुए क्या करना है, अपनी थाइस के नीचे से अपने हाथ को निकालना है, सेम लेग के सेम हाथ के साथ आपको करना है। यानी मैंने लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट लेग लिया हुआ है। अब यहीं से क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से साइड कर लेंगे पैर के नीचे। अब यहीं से दोनों हाथ को इस तरीके से लोटस की तरह यानी कमल की तरह बनाते हुए इस तरीके से रखना है आपको। ये आपका अभ्यास रहेगा एक पाद गर्भासन का। आपको 20 सेकंड तक इसी में होल्ड करके रखना है, फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे, पैरों को हिला लेंगे। अब यहीं से दूसरे लेग से भी आपको सेम प्रोसेस करते हुए आना है। चलिए राइट लेग बैंड करते हुए मेरा राइट हैंड आ जाएगा, इंटरलॉक कर लेंगे। अब यहीं से दोनों हाथ को कमल की मुद्रा में लेते हुए यहीं पर होल्ड करना है। इसको बोलते हैं एक पाद गर्भासन का अभ्यास, हमारे पेट की समस्याओं के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से रिलैक्स।
आपको 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ आना है, यानी लेफ्ट लेग से 20 सेकंड होल्ड करना है, फिर राइट लेग से भी 20 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरीके से आपको तीन बार इसी को करते हुए आना है। चलिए अब तीसरे अभ्यास में हमें क्या करना है, अपने पैरों को सुखासन की स्थिति में सामान्य रखना है। इस तरीके से कमर गर्दन आपकी एकदम सीधी रहेगी। अब यहीं से आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड के एल्बो को यानी कोहनी को नीचे की ओर रख देंगे। इस तरीके से नीचे की ओर रखना है अपने मैट पे। अब यहीं से आपका राइट हैंड अप जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए यहीं पर आपको होल्ड करके रखना है 20 सेकंड तक। ध्यान रहेंगे इस पोजीशन में आते हुए आपका जो हिप्स पोर्शन है इसको उठाना नहीं है, इसको डाउन रखना है पूरा, उसके बाद स्ट्रेच करना है और यहीं पर 20 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब दूसरे हाथ के साथ ही आपको सेम प्रोसेस करना है। राइट हैंड डाउन चला जाएगा, लेफ्ट हैंड अप आ जाएगा, स्ट्रेच करके रखेंगे। पूरे शरीर में अच्छा खिंचाव देगा आपको, आलस को दूर करेगा, बॉडी में स्टैमिना इम्प्रूव करेगा, शरीर की थकान को भी हटाएगा। फिर धीरे से अप आ जाएंगे, रिलैक्स। चलिए अब चौथे आसन में हमें क्या करना है, अपने पैरों को खोल लेना है। जितना हो सके अपने लेग्स को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खोल लेंगे। अब यहीं से करना क्या है, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए आप लेके जाएंगे। अब राइट साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड, इस तरीके से दोनों हाथों को चलाते हुए लेके आना है, स्ट्रेच करके रखना है पूरा। आपको 20 बार दाईं तरफ, 20 बार बाईं तरफ इस तरीके से लेकर जाना है। उसके बाद होल्ड करते हुए आएंगे, यानी राइट साइड से होल्ड कर लेंगे। 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है राइट साइड में। फिर अप आते हुए दूसरी साइड भी आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। बहुत इजी अभ्यास है और इफेक्टिव भी है साथ में। चलिए अब यहीं से अंतिम आसन की ओर आ जाएंगे, माजरी आसन, फिफ्थ नंबर का। अपने घुटनों के बल पर आ जाएंगे अपनी मैट पे, अपनी हथेलियों को अच्छे से प्लेस कर देंगे मैट पे, यानी रख देंगे। घुटनों के बीच में अपने शोल्डर्स के बराबर गैप रखना है आपको, और हाथों के बीच में भी। अब यहीं से श्वास को छोड़ते हुए अपने नाभि पर देखना है आपको। इस तरीके से नाभि पर देखते हुए अपने बैक वाले पोर्शन को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, यानी जिस तरीके से एक कर्व बन जाता है, यानी मोड़ बन जाता है, उस तरीके से अपने कमर पे मोड़ बनाना है। श्वास को भरते हुए कमर को अंदर की ओर दबा देंगे, कमर वाला पार्ट अंदर चला जाएगा। अब यहीं से श्वास को भरते हुए नाभि पर देखेंगे, छोड़ते हुए ऊपर की ओर देखना है। ध्यान रखेंगे इसको, श्वास को लेते हुए नाभि पर देखना है, छोड़ते हुए ऊपर की ओर। इसी तरीके से आपको 20 बार करते हुए आना है। अब यहीं पर होल्ड करते हुए आएंगे 20 बार, नाभि पर देखेंगे 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ। फिर श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की ओर देखना है, 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए चले जाएंगे शीर्षांग आसन में। तो दोस्तों ये थे 5 इजी योगासन जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी थकान को दूर करने के लिए, यानी डेली लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छे और इजी योगासन है। हर एज ग्रुप का व्यक्ति इसे आराम से कर सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरह के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। और साथ साथ में आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, वहाँ पर हम अपनी योगा से रिलेटेड बातें आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।